मशीन बुरी नहीं है, मशीन को चलाने वाला बुरा है। इंसान वही अपना दिमाग लगा के मशीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। ईवीएम की भी भरी सही परिभाषा मेरे एक साथी ने दी, इजी वोट मैनेजमेंट। तो इजी वोट मैनेजमेंट का आप देखिए किस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने तरीके से ईवीएम को चला रहे हैं, अपने तरीके से वोट ले रहे हैं। और भाजपा सरकार का विरोध, जैसे आपने, आपका सवाल क्या था एक बड़ी जरा बताइए। यही कि अगर बीजेपी वाले आरोप लगाएं कि बीजेपी की जीत से तमाम लोग घबरा गए हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की जीत से घबराए नहीं, उनकी एक मोनोपोली जो बहुत अच्छे से चलती आ रही है, क्योंकि वो किसी के पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ रहे। वो जो कह रहे हैं, उन्होंने इस तरह से वो चला रहे हैं सरकार अपनी बनाकर, सब सुप्रीम कोर्ट हो गया, अब हमें हमारे लिए बहुत मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट पे और इसी पे भी विश्वास करना, वी कांट ट्रस्ट दैट ऑल्सो। क्योंकि हम, अगर आप वोट कौन देता है, हम लोग वोट दे रहे हैं ना, सिटीजन वोट दे रहे हैं, हम लोगों के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ईवीएम मशीन। लोग एक्चुअली डर के बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि आप देखिए एक गुंडा राज भी तो है ना, वो भी चल रहा है। तो अगर हर किसी को डर लगता है कि यार मैं कुछ बोलूंगा या मैं कुछ बोलूंगी, मेरा कल पता नहीं, मैं कल नजर भी आऊंगा या नहीं आऊंगा, अगर हर कोई डरता जाएगा तो फिर वो सरकार आप पे और भारी होती जाएगी। किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। तो जो यहाँ की इंटेलेक्चुअल क्लास है, स्मार्ट लोग हैं, जो जागरूक है, वो बोल रहे हैं, वो भाजपा सरकार से डरते नहीं, वो विरोध करना जानते हैं। तो इसीलिए उसके कारण आज हमने जो एक इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हम लोग चाह रहे थे, बहुत सारे लोग शामिल, और बहुत सारे लोग इस चीज से जागरूक भी हो रहे हैं और शामिल भी हो रहे हैं अपने अपने इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट को लेकर। जैसे मैंने अपना लेटेस्ट वीडियो में भी कहा, यही चीज, ये इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट है, या तो आप घर रह के सड़ के मरो, या तो आप लड़ो और लड़के मरो। तो ये आपके हाथ में, ऐसी सरकार का विरोध करना जो आपके पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ रही है। तो आप आइए, लड़िए, अपने बात को रखिए, समझाइए, समझिए चीजों को कि किस तरह से वो सरकार ईवीएम के थ्रू वोट मैनेजमेंट कर रही है। बीजेपी के पास, हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, हमारे हाथों में कुछ नहीं है, तो हम लोगों के पास सिर्फ सिंपल एक रास्ता है, सड़क पे आना, अपनी बात रखना और अपनी बात लेकर आगे।